कुछ दिन पहले एक नामी घराने में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सब्जेक्ट इसमें हम ले रहे हैं इनकम टैक्स का छापा, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, हम इसको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं। और जहां पर किसी वर्ब को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो वहां पर हम देयर वॉज या फिर देयर इज, इट वॉज का हम यूज करते हैं। ये पास्ट है इसीलिए इसमें हम देयर वॉज का यूज करेंगे। दूसरी कोई वर्ब है नहीं। ऑब्जेक्ट एक नामी घराना अदर में क्या आता है, कुछ दिन पहले, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी अ फ्यू डेज अगो, इसकी हिंदी होती है कुछ दिन पहले। देयर वॉज एन इनकम टैक्स रेड इन अ वेल नोन फैमिली, कुछ दिन पहले एक नामी घराने में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे घर की तलाशी शुरू की। इसमें सब्जेक्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हेल्पिंग वर्ब हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब है तलाशी शुरू की। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, पूरे घर की, और अदर में इसमें कुछ नहीं है। क्या कैसे वाक्य बनेगा, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च्ड द एंटायर हाउस। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब तलाशी शुरू की, ऑब्जेक्ट पूरे घर की, अदर में कुछ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च द एंटायर हाउस। फिर अंत में एक कमरा तलाशी के लिए बचा था, वो कमरा उनकी माता जी का था। इसमें सब्जेक्ट, इसमें दो सेंटेंस है तो इसीलिए दो सब्जेक्ट दो हेल्पिंग वर्ब सभी दो दो है। सब्जेक्ट पहले सेंटेंस सब्जेक्ट है एक कमरा, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे जो कि सिंपल पास्ट है, और वर्ब बचा था, ऑब्जेक्ट तलाशी के लिए, और अदर में क्या आ जाता है, फिर अंत में। देन फाइनली देयर वॉज वन रूम लेफ्ट टू सर्च। अब दूसरा सेंटेंस है वो कमरा उनकी माता जी का था, जिसमें सब्जेक्ट क्या है वो कमरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब इसमें क्या है का, ऑब्जेक्ट क्या है उनकी माता जी का, वर्ब मतलब का मतलब यहाँ पर है कि वह कमरा उनका था। और जहां पर कोई चीज किसी की होती है वहां पर हम बिलोंग टू का यूज करते हैं, और इसीलिए हमने का को एज अ वर्ब लिया है। ऑब्जेक्ट उनकी माता जी, अदर कुछ है नहीं। दैट रूम वो कमरा बिलोंग टू माता जी का था। दैट रूम बिलोंग टू हिज मदर, वो कमरा उनकी माता जी का था। उस कमरे की तलाशी शुरू हुई, वहां एक संदूक थी। इसमें भी दो सेंटेंस हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तलाशी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब शुरू हुई, ऑब्जेक्ट उस कमरे की, अदर में कुछ नहीं है। द सर्च स्टार्टेड इन दैट रूम, दूसरा सेंटेंस है वहां एक संदूक थी। जहां पर कोई गिनती आ जाती वहां पर देयर या फिर इट का यूज करते हैं। देयर वॉज अ बॉक्स, वहां पर एक संदूक थी। संदूक की इंग्लिश बॉक्स होती और चेस्ट भी होती, अब कुछ भी कह लीजिए। देयर वॉज अ बॉक्स, द सर्च स्टार्टेड इन द रूम, देयर वॉज अ बॉक्स। माता जी उस संदूक की तलाशी नहीं होने दे रही थी। सब्जेक्ट है माता जी, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, वर्ब होने दे रही थी, ऑब्जेक्ट उस संदूक, अदर इसमें कुछ है नहीं। द मदर वॉज नॉट अलाउिंग, द मदर वॉज नॉट अलाउिंग, अलाउिंग का मतलब होने दे रही थी। दैट चेस्ट उस संदूक की, टू बी सर्च्ड उस संदूक की तलाशी नहीं होने दे रही थी। द मदर वॉज नॉट अलाउिंग दैट चेस्ट टू बी सर्च्ड। अब ये पैसिव वॉइस है इसीलिए बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, आपको याद होगा। माता जी उस संदूक की तलाशी नहीं होने दे रही थी। The mother was not allowing that chest to be searched. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सेंटेंस है इनकम टैक्स अधिकारी ने खूब समझाया तो वो मान गई। इसमें सब्जेक्ट है इनकम टैक्स अधिकारी, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब समझाया, ऑब्जेक्ट खूब, अदर इसमें नहीं है। और इसके बाद एक सेंटेंस और, तो वो मान गई। The income tax officer explained a lot, then she agreed. दूसरे वाले सेंटेंस पे सब्जेक्ट है तो वो, वर्ब है मान गई, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है और अदर भी नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सप्लेन्ड अ लॉट देन शी अग्रीड, जब इनकम टैक्स अधिकारी ने संदूक खोला तो वह हैरान हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इनकम टैक्स अधिकारी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब क्या है खोला, ऑब्जेक्ट संदूक, अदर यहाँ पर क्या है जब है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, व्हेन, हम अदर को सबसे पहले हमने लिख दिया व्हेन,
टैक्स ऑफिसर, अब अदर के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर ओपेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपेंड, ओपेंड का ओपेंड हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, संदूक, संदूक की इंग्लिश हो गई बॉक्स। व्हेन द इनकम टैक्स ऑफिसर ओपेंड द बॉक्स ही वाज एस्टोनिश्ड, वह हैरान हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब हैरान हो गया, ही वाज एस्टोनिश्ड। उसमें दो रोटियां रखी थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दो रोटियां, हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब का यूज करेंगे डब्ल्यू ई आर ई, चूंकि ये प्लूरल है, दो रोटियां प्लूरल है इसलिए वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है, रखी थी, ऑब्जेक्ट उसमें, देयर वर टू लोव्स किप्ट इन इट, लोव्स का मतलब रोटियां होती हैं, आप ब्रेड अगर आपको बोलना है तो आप ब्रेड वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन लोव्स लिखना ज्यादा सही रहेगा। देयर वर टू लोव्स किप्ट इन इट, पूछने पर माता जी ने बताया मुझे दो रोटियां सुबह और दो रोटियां शाम को दी जाती हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दो सेंटेंस है तो दो दो सब्जेक्ट होंगे, दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, दो अदर होंगे। तो पहला वाले वाक्य में हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माता जी, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है बताया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर क्या है पूछने पर। व्हेन आस्क्ड, हमने अदर सबसे पहले लिख दिया, पूछने पर की इंग्लिश होती है व्हेन आस्क्ड, दी मदर, सब्जेक्ट क्या है, दी मदर टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म हो गई टोल्ड, व्हेन आस्क्ड दी मदर टोल्ड। अब दूसरा वाला सेंटेंस है मुझे दो रोटियां सुबह और दो रोटियां शाम को दी जाती हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे दो रोटियां, तो मुझे सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, अब ये पैसिव वॉइस फॉर्म है तो आई एम, हेल्पिंग वर्ब क्या है आई एम, अदर क्या है दो रोटियां सुबह और दो रोटियां शाम, आई एम गिवेन टू ब्रेड्स इन द मॉर्निंग एंड टू ब्रेड्स इन द इवनिंग, व्हेन आस्क्ड द मदर टोल्ड आई एम गिवेन टू ब्रेड्स इन द मॉर्निंग एंड टू ब्रेड्स इन द इवनिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।